खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज भाजपुर में चीनी मिल के कर्मचारियों के आंदोलन का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। श्रमिक प्रतिनिधि मंडल के गन्ना मंत्री ने चीनी मिल के कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि चीनी मिल भाजपुर में श्रमिकों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और श्रमिक चीनी मिल गेट पर इकट्ठे हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसी के साथ किसी भी आउटसोर्स कर्मी को मांगे पूरी होने तक मिल गेट के अंदर आने जाने की मांग को दोहराया गया। और ऋषिकेश एम्स ने नेत्रविहीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी एम्स में आई है जिससे आंखों की कार्निया 4 की जगह 14 दिन तक स्वस्थ रहेंगी। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद सभी नेत्रविहीन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए लायंस क्लब और अन्य सामाजिक संस्थाएं लगातार कोशिशें कर रही हैं, जो मृतक के परिजनों से मिलकर नेत्रदान कराने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन समय पर नेत्रविहीन लोगों के एम्स में नहीं पहुंचने पर मरने वालों से मिली आंखों की कार्निया को सुरक्षित रखना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बना हुआ था। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी एम्स ऋषिकेश ने ईजाद की है जिसमें आंखों की कार्निया 4 की जगह 14 दिन तक स्वस्थ रह पाएंगी। केस ऑल ये जो मीडियाज हैं इसमें 14 दिन तक रख सकते हैं कॉर्नियाज को, उसके मतलब कॉर्निया की जो हेल्थ है वो बनी रहेगी। तब हम ट्रांसप्लांट करेंगे किसी को तो उसको दिखाई देता है। तो क्या हुआ कि कोरोना काल में सारे आई बैंक्स बंद हो गए, कोविड के क्योंकि ट्रांसमिट होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से, तो सब बंद कर दिया गया। तो तब उस टाइम पे ज़रूरत ही मतलब पेशेंट तो फिर भी आ रहे थे जिनकी आंखें फट जाती थी या मतलब जिनको इन्फेक्शन हो गया, जिनको संक्रमण हो जाता है, तो उनकी आंख बचाने के लिए तब ये ग्लिसरीन प्रिजर्व कॉर्निया काम आया था। ये पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि 14 दिन के बाद अगर किसी वजह से पेशेंट जैसे नहीं आ पाए या पुतली हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हुआ रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं इस कॉर्निया को फिर ग्लिसरीन में प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टेराइल करके ग्लिसरीन को और उसमें प्रिजर्व कर देते हैं। वो जो ग्लिसरीन है इसमें जो कॉर्निया है ये हम 5 साल तक रख सकते हैं। और सितारगंज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बिजली विभाग की ओर से हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर एसटीओ को ज्ञापन सौंपा है। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि बिजली की कटौती से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ से हर 10 मिनट में बिजली का कट जाना लोगों को परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, बारिश और तेज आंधी की वजह से कई जगह पर बिजली के पोल टूट गए हैं, लेकिन बिजली विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और हरिद्वार में एक तरफ तो सरकार ने कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार की पौराणिक हर की पैड़ी यात्रियों की मौज मस्ती का अड्डा बनता जा रहा है। बता दें कि गंगा घाट पर देर रात यात्री हर की पौड़ी पर स्पीकर लगाकर पार्टी करते नजर आए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों का चालान किया। पार्टी करते हुए इन यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होते हुए देखिए हर की पौड़ी पर पुलिस द्वारा और सिक्किम के गंगटोक नाथुला रास्ते पर सेना का वाहन खाई में गिरने से कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात जवान हिमांशु नेगी शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर सुबह उनके आवास पांडे कॉलोनी पहुंचा। शहीद को हजारों लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि रामनगर में शमशान घाट पर शहीद हिमांशु नेगी को एएससी बटालियन ने सलामी दी, जिसके बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। काशीपुर की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा प्रहलाद कोंडे ने भी हिमांशु की शहादत पर उनके परिजनों को सांत्वना दी और शहीद के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर चंद्रेश्वर सड़क पर एक कपड़े की दुकान में अचानक से आग लग गई। हादसे में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि हादसे में आसपास की दुकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि आग लगी है कपड़ों की दुकान में। हम तुरंत घटना स्थल के लिए मैं यूनिट के रवाना हुए, आके देखा तो रास्ता हमें मिल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से हमने धुआं वगैरह शांत करने के बाद हम किसी तरह वहां पे बल्ली वगैरह तोड़ के, दरवाज़ा वगैरह तोड़ के किसी तरह हम अंदर प्रवेश करें। फिर हमने आग बुझाना चालू किया। धीरे धीरे हमने लगभग आग कंट्रोल पे है। अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है हम। जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम यहीं पे मौजूद रहेंगे। 28 जून को देहरादून के ड्राइवर की रामनगर में की गई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट को अंजाम देने के लिए ये तीनों आरोपी देहरादून से नैनीताल के लिए गाड़ी बुक कराकर लाए थे और रामनगर पहुंचने के बाद आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लूट का खुलासा ना हो जाए इस डर की वजह से इन आरोपियों ने ड्राइवर की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। और रुद्रपुर में एक नाबालिग युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित के भाई ने कोतवाली में जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का यह कहना है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और लक्सर के कंकरखाता गांव में एक युवक को अपने ही गांव की युवती से प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। दरअसल युवती के परिजनों को प्रेमी युगल के बारे में पता चलते ही हड़कंप मच गया। युवती के परिजनों ने युवक को घर बुलाया, उसके साथ मारपीट की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवती के परिजनों ने युवक को घर बुलाया, उसके साथ मारपीट करते हुए युवक के मुंह में जबरदस्ती जहर डाल दिया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवार के बीच तनाव बढ़ गया और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अबादपुर में चीनी मिल के पास नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के कार्यालय के सामने लगे हैंडपंप से अचानक पेट्रोलियम तरल पदार्थ पानी के साथ निकलने लगा, जिसके बाद हैंडपंप से पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकलने की जानकारी पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही गुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे। पानी के साथ निकल रहे पेट्रोलियम तरल पदार्थ का सैंपल लेकर उसे एकत्र किया गया। इसी दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि 2015 में हैंडपंप लगाया गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि हैंडपंप से निकलने वाले पानी के साथ अचानक पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकलने लगा, जिसके लिए उन्होंने सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर हकीकत में पेट्रोलियम पदार्थ धरती से निकल रहा है तो इससे प्रदेश और देश को भारी मात्रा में राजस्व का फायदा होगा। और रुड़की के पिरान करियर थाना क्षेत्र महमूदपुर में एक युवती का शव पंखे से लटका मिला है। ये पूरा मामला देर शाम का है, जब वो घर में कोई नहीं था। युवती के माता पिता किसी काम से बाजार गए थे और जब वो घर वापस आए तो युवती का शव पंखे से लटका मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच शुरू की। और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।